वक्त की बड़ी खबर है रीवा से, जहां जनपद पंचायत सिरमौर के सीईओ के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ है। बताया जाता है कि सीईओ ग्राम पंचायत में आयोजित सभा में शामिल होकर लौट रहे थे, तभी पूर्वा फाल के पास पहले से घात लगाकर बैठे युवकों ने हाकी डंडे से प्राणघातक हमला किया है। बताया जाता है कि मरणासन्न में छोड़कर आरोपी फरार हो गए, जिसके बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने जनपद सीईओ को अस्पताल पहुंचाया है। बताया जाता है कि सिरमौर जनपद सीईओ के ऊपर हुआ प्राणघातक हमला सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी और सीईओ का ऑडियो वायरल होने के बाद जानलेवा हमला हुआ है। घटना सिरमौर जनपद के पूर्वा के पास हुई है, जहां आधा दर्जन लोगों ने मारपीट की है। चर्चा है कि विधायक का ऑडियो वायरल होने के बाद विधायक के गुर्गों के द्वारा हमला करवाया गया है, क्योंकि केपी त्रिपाठी ने धमकी भी दी थी। आपको बस बता दें कि जनपद सीईओ एसके मिश्रा पर विधायक केपी त्रिपाठी, मीडिया प्रभारी विवेक गौतम को फर्जी भुगतान करने का दबाव बना रहे थे। जनपद सीईओ ने इनकार किया तो विधायक ने धमकी दी थी। घायल सीईओ को उपचार के लिए सिरमौर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। वहीं पूरे मामले को लेकर जिला सीईओ स्वप्निल वानखेड़े ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि सीईओ से संपर्क नहीं हो पाया है, संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्हें भी जानकारी मिली है कि सिरमौर में भर्ती कराया गया है। हेलो हेलो जी साहब, धर्मेंद्र बोल रहा हूँ। हेलो हेलो जी बोलिए। केपी भैया बात कर रहे हैं, विधायक सिमरिया। हेलो हेलो विधायक जी बात करेंगे। जी जी हेलो सर नमस्ते। सीओ साहब, आपकी लगातार बहुत कंप्लेन आ रही है, अब बहुत बुरा हो जाएगा। क्या जैसे दूसरे लोग बोल, आप हमारे लोगों को बोल बोल के तंग करते हैं। आप मुझे एक का एग्जांपल का नाम बताइए, कौन आदमी है ऐसा कहता है। मैं तो आपको बोल चुका ना, कई बार बोल चुका मैं। सुनो, अरे आज सुनो यार, पहले सुनो पूरा। नहीं मैं देखिए, सुनिए आप, अरे आप पहले होल्ड करो। जिला सीओ कल बता रहे थे कि संदीप को ही बोल दिए हो कि सरपंच और सचिव लड़े हैं दोनों आपस में। नहीं, मेरी सीओ जिला पंचायत से संदीप के संबंध में कोई बात नहीं हुई है, और अगर ये होता तो मैं दो बार उसका प्रस्ताव भेजता। आप ये बताइए पहले, अब ये आप रंगौली में सचिव को बुला के नवीन खान को बोल रहे हो कि वीरभद्र सिंह बहुत बढ़िया सरपंच है, उसके साथ काम करो। नहीं सुनिए, नवीन खान ने लिख करके दिया मुझे कि मेरी जान को वहाँ खतरा है। हाँ समझ रहे हैं ना, मैं वहाँ काम नहीं करूंगा। बस उसको हटा दीजिए, रोजगार साहब को प्रभाव। अरे तो सुनिए, तो वही मैंने प्रस्ताव भेजा है उसका जिला पंचायत में। जिला पंचायत में उसका यही प्रस्ताव भेजा है, किसी को अगर जान का खतरा है। फिर कुछ उल्टा कर देते हैं मीटिंग में, हमारे जो लोग हैं उनको डांटते हैं आप। किसको? आप हमें एक का नाम बताइए। मैं पहले भी बताया कई बार आपको कि मैं जानू तो कि आपका कौन आदमी है। मैं तो सबको आपका आदमी मानता हूँ। दबे पांव चलते हैं, ज्यादा हम शोर नहीं मचाते। और आप मुझे तो आप बता सकते हो ना कि ये आदमी है, इसको आप डांटते हो, ये मेरा आदमी है, इसका ध्यान रखना। मैं समझ में नहीं आता। मैं आप बोलते हो कि ज्यादा तुम नेतागिरी के चक्कर में मत पड़ो। अभी तक विवेक गौतम का भुगतान हुआ? विवेक गौतम का काम किया विवेक गौतम ने, ये बताइए। जितने का उसका भुगतान हो गया है, उसका आधा काम है वहां पर। अब आप बताइए, उसका सिमरिया मझगवा का मैंने उसका पेमेंट कर दिया, आपने कहा खमरिया का पेमेंट कर दो, खमरिया का कर दिया। जब मनरेगा में भुगतान लगता है हाँ, तो पहले आप बाकी सब जगह जहां भुगतान किए हो वहां अंकित शुक्ला लोगों का किए हो, सब काम हो गया है? ऐसा है आपको बताऊं मैं, सुन लीजिए। जरमई कर्मई में सेक्रेटरी लिख के देता रह गया कि सरपंच ने पैसा निकाल लिया, पूरा पैसा खा लिया। आप उसको लीपा पोती करने में लगे रह गए, एक भी आज तक उसमें एक्शन लिया कुछ जरमई करमई में? पहली बात बताऊं मैं आपको कि जरमई का सेक्रेटरी का कोई पत्र मेरे पास नहीं है। करमई जरमई में मुझे भी मालूम चला कि मैंने खुद फोन किया है आपको। आपने मुझे फोन किया, उसके पहले मैं वहां गया और मैं जाकर के आठ लाख रुपए उसका वापस जमा कराया। 8 लाख पूर्वा में तमाम सेट बनने हैं, हो गए सेट फाइनल? पेमेंट आपने किया है, कितना पेमेंट कराया और कितना फाइनल हुआ है पेमेंट पूर्वा में? देखिए, पूर्वा में केवल 10 सेट हैं, 10 सेट उसके पूर्वा में फाइनल हैं, 10 सेट, और इसके बाद शेष का उसमें पैसा नहीं निकला है, सरपंच के उसमें है।
जहां तक मुझे पर्टिकुलर, मैं एक आदमी को पक्ष नहीं लेता हूं, मैं तो सबको समान लेके चलता हूं, काम होना चाहिए। और काम होने की देखो, एक आदमी दो आदमी बोलता है तो चलता है, लेकिन आपके बारे में पूरा जनपद बोलने लगा है। पूरा जनपद कि आप ये पूछते हो कि केपी त्रिपाठी कौन आदमी है, उनको तंग करो। आप फिर गलत बात बोलते हैं, आपको कम से कम इसमें बोल कर रह करके ऐसे आरोप नहीं लगाना चाहिए। मैंने आपसे कहा ना कि जो आदमी, अरे यार हमको आरोप आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम आरोप लगाने लगेंगे अभी आपको बता रहे हैं, मैं और आपको बता रहे हैं, दूसरे से आरोप नहीं लगा रहे हैं, नहीं फिर दूसरे काम आरोप हम जब लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अरे आरोप लगा रहे हैं हम, मेरी बात तो सुनिए, फालतू की बात मत करो तुम। मैं ये कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो बात करता हूँ मुद्दे की बात करता हूँ। और जो आदमी ऐसा आरोप लगाता है, सामने आवे बोले कि मैंने किसी के साथ जाति किया। अरे तुमको एक साल से झेलते झेलते तुम इधर फोन करते हैं, तुम उधर उल्टा काम करते हो, कैसे काम करते हो यार? मैंने कहीं उल्टा कोई काम नहीं किया है, कैसी बात करते हो आप? सथनी में ऐसे उल्टा सीधा बोल बोल के सारे फाइल बढ़ा बढ़ा के ऐसे सथनी में किया, कौन सी पंचायत बची है जहां नौटंकी नहीं किए हो? अच्छा है, सथनी में हमने क्या किया है बताइए तो मुझे। कमिश्नर से ना रुकवाते हम तो तुम तो बंटाधार ही कर दिए थे। अरे तो जो ऑलरेडी फाइल पहले से चल रही है तो उसको फाइल को क्या करेंगे, ऊपर से पत्र आएगा तो कोई कारस्पॉन्डेंस नहीं करेंगे क्या? कोई कारस्पॉन्डेंस नहीं करेंगे ऊपर? नौटंकी की पराकाष्ठा है, कारस्पॉन्डेंस हमको न बताओ। देखो हम अब क्या बताएं, फिर बात नहीं करना चाहते हम ज्यादा अभी। नहीं, बात की पब्लिकली नहीं है। हम बैठे हुए हैं इसलिए बाद में अकेले होते तो फिर हम बताते। मैं भी बता रहा हूं, मैं तो ऑफिस में बैठा हूं और ऑफिस में बैठ करके ही मैं बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कुल मिला के एक बात नोट कर लो, नौटंकी मत करो, हमारे आदमियों को टारगेट मत करो। मैंने कहा ना मेरा कोई नहीं, तो मैं सीधा टारगेट करूंगा आपको। अरे आप टारगेट करो ना, मैं तो कब कह रहा हूं कि आप टारगेट ना करो, मैं तो आपको कितनी बार बोल चुका कि आप करूं टारगेट तुझको। हाँ मुझे हटा दो, मुझे नहीं रहना यहाँ। हटाऊंगा नहीं, अपने से हट जाएगा तू। अरे मैं तो अपने से लिख के देगा फिर। अरे मैं तो कह रहा हूँ अभी मेरे से लिखित में ले लो। तू अपने से हटेगा, मैं हटाने नहीं जाऊंगा, एनर्जी नहीं खर्च करूंगा तेरे पीछे, मेरी हटा दूं। मैं चल चल तुझको बताता हूँ मैं 2-3 दिन के अंदर हटाने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताओ, मैं लिख के दे दूंगा कि मुझे हटा दो, मैं लिख के दे दूंगा ना। हटाने उठाने का ठेका नहीं ले रखा ठेका नहीं ले रखे हैं तो आप बात गुंडागर्दी मत करो मेरे आदमियों से। अरे हम किसी गुंडा नहीं करते हैं, गुंडे हो तुम, हम कोई गुंडा नहीं है। साले पैसा मांगते हो खुले, हम घूस लेते हो। अरे सुनो बदतमीजी पूर्ण बात मत करो, गाली गलौज कर रहे हो, शर्म नहीं आती क्या? समझ लियो अपने आपको, साले पैसा खाते हो, पैसा खाने के लिए बने हो तुम, खाते हो इन दलालों से पैसा। अब जब मैं अभी तक आपकी इज्जत कर रहा था और इसके बाद पूरे दलाल पाल रखे हो, उन दलालों के माध्यम से पैसा खाते हो, मुझे नहीं मालूम है क्या साले तुम दलाल नहीं पाल रखे हो? कौन सी अच्छा पंचायत ने काम किया है बताइए मुझे। नमस्ते, रामानंद पांडे बोल रहा हूँ, विराट 24 न्यूज। हाँ जी बताएं सर, ये जनपद सिरमौर के ऊपर हमला हुआ है सर, कुछ जानकारी मिली? हाँ, तो अभी कहाँ पर भर्ती कराया गया सर, कुछ है जानकारी? कैसे सिरमौर में अभी वो पहुंचे शायद, मेरे को पूरी जानकारी नहीं मिली है, हल्ला हुआ ये कंफर्म हुआ है। कुछ सर ऑडियो वायरल हुआ था, उस ऑडियो को लेकर तो नहीं उसी क्षेत्र में हुआ? अभी मुझे तो क्लियर कुछ पता नहीं है, अभी मीडिया में मैंने पढ़ा, अभी सीईओ से बात करना चाह रहा हूँ लेकिन सीईओ का नंबर नहीं लग रहा है। ठीक है, जैसे मुझे जानकारी मिलती है तो पता चलेगा।